हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में। जनरली पार्किंसंस डिजीज़ होती क्या है और कैसा इसका प्रभाव होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और किन किन परिस्थितियों में यानी किन किन लक्षणों में आप होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। जनरली पार्किंसन डिजीज़ को क्रॉनिक केसेस में क्योर नहीं होता है ऐसा बोला जाता है, लेकिन अगर आप पार्किंसंस डिजीज़ के प्राइमरी स्टेज में ही अगर होम्योपैथ की मेडिसिन को इस्तेमाल करें तो आपको काफ़ी हद तक इस बीमारी को निजात पाने में, बीमारी से निजात पाने में काफ़ी हद तक सहायता मिलता है। जनरली पार्किंसंस डिजीज़ में होता क्या, पार्किंसन डिजीज़ में हाथ पैर का कांपना, चेहरा का कांपना, अपने हाथों पे या ऑर्गेनल ऑर्गन्स पे कंट्रोल नहीं कर पाने को ही पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं। और ये होता कैसे है, ये फैक्ट को कुछ थोड़ी देर में मैं आपको क्लियर करूँगा। जनरली पार्किंसन डिजीज़ में पार्किंसन डिजीज़ अटैक करता है नर्व सेल्स ऑफ द ब्रेन को, यानी जो दिमाग में जो नर्व सेल्स होती है उसको डिस्टर्ब करता है और इस डिस्टर्ब के वजह से पेशेंट का अपने ऑर्गन पे कंट्रोल धीरे धीरे खो जाता है। और यही वजह है कि मसल्स रिजिडिटी होता है, ट्रेमर्स होता है, बोलने में लड़खड़ाने लगता है। आफ्टर डायग्नोसिस जनरली जो सिम्टम्स मिलता है उस हिसाब से मेडिसिन दी जाती है। जनरली आगे चल के देखा गया है कि पार्किंसंस जब क्रॉनिक केसेस में होता है तो कभी कभी पेशेंट एक्सपायर भी कर जाता है, यानी डेथ भी कर जाता है। ये रेयर केसेस होते हैं लेकिन कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है। अब हम बात करेंगे जनरली क्या सिम्टम्स हैं जो आपको पार्किंसंस डिजीज को पहचानने में ज़्यादा हेल्प करता है। पहला सिम्टम्स है टर्मर्स, यानी कांपना हाथों के अंगुलियों में, हाथ में, मुंह के जो जबड़े होते हैं उसमें और चेहरे में। जनरली हल्का हल्का कंपन शुरू होगा। पहले तो शुरू होता है कि आपको सिर्फ महसूस होगा कि हल्का सा ट्रेम्बलिंग हो रहा है और पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती जाएगी आपको क्लियर होने लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे आप उसको महसूस कर पाएंगे, देख पाएंगे और धीरे धीरे फिर उसके बाद हाथ और पैर बहुत ज़्यादा कांपना शुरू करता है। तो पहला पार्किंसंस की कंडीशन ये होती है कि ट्रेमर्स होता है। दूसरी कंडीशन होती है रिजिडिटी। रिजिडिटी में कंडीशन क्या होती है, स्टिफनेस ऑफ द ऑर्गन, यानी कि अंगों में मसल्स का स्टिफ हो जाना। इसके अलावा जो स्ट्रेच है मसल्स का वो जनरली फैल जाता है। इस कंडीशंस में भी आपको पार्किंसंस कंडीशंस हो सकते हैं। तीसरा होता है ब्रैडिकनेसिया। ब्रैडिकनेसिया मतलब होता है स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, यानी कि जो अंग में रिजिडिटी हो जाती है, यानी जो अंग में अकड़न हो जाता है उसका मूवमेंट बहुत कम होता है। और जब मूवमेंट कम होता है तो धीरे धीरे आप इसको समझ नहीं पाते हैं और प्रॉब्लम्स होना शुरू करता है, ट्रेम्बलिंग होना शुरू करता है, अकड़न शुरू होता है। तीसरा कंडीशन है लॉस ऑफ बैलेंस, यानी आपका अपने अंगों पे पकड़ कम हो जाना। क्रॉनिक केसेस में वो पकड़ छूट जाता है, यानी कि आप अपने अंगों पे पकड़ नहीं रख पाते। ऐसे कंडीशंस में भी पार्किंसंस के सिम्टम्स को आप समझ सकते हैं। एक और कंडीशन आती है डायस्टोनिया। डायस्टोनिया में क्या होता है, एबनॉर्मल पेनफुल ट्विचिंग ऑफ द मसल्स होता है, यानी कि जो अंग है वो फड़कता है, दर्द होता है और दर्द के साथ जनरली ये एंकल यानी कि पंजे पे बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है या ऐसे जगह जहाँ स्केलेटल्स मसल्स जहाँ होते हैं हड्डियाँ के ऊपर जो मांसपेशी है तो उस जगह को ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। इसके बाद पार्किंसंस में आपको मैंने बताया कि स्पीच लड़खड़ाने लगती है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बहुत कम बोल पाता है, उसके बाद जैसे ही वो बोलना शुरू करेगा वो लड़खड़ाना शुरू करेगा, यानी कि कंप्लीट रूप से वो अपनी बातों को कह नहीं पाता है। और कभी कभी ऐसा कंडीशंस आता है कि पार्किंसन डिजीज में आदमी बहुत जल्दी बोलने लगता है,
और उसकी इस जल्दी बोलने की वजह से व्यक्ति जो भी है वो उसकी बात को समझ नहीं पाता है। ऐसे कंडीशंस में भी आप पार्किंसंस को समझ सकते हैं। इसके अलावा एक कंडीशन आता है जिसको हम लोग मेडिकली भाषा में ड्रूलिंग बोलते हैं। ड्रूलिंग क्या होता है? ड्रूलिंग का मतलब होता है स्वॉलिंग, यानी कि जो चीज़ निगल रहे हैं वो निगलने की कंडीशंस, यानी जो स्लाइपा है, लार है, वो बहुत निगलने की पावर धीरे धीरे ख़त्म होने। इसके अलावा हाथों में अकड़न होना, कन्फ्यूज्ड होना, किसी बात को बहुत लेट से समझना, किसी चीज़ की बीमारी होना, डर होना, चिंता होना, तनाव होना, ये आपको पार्किंसन डिजीज़ को बढ़ाती है। इसके अलावा सेक्सुअल डिसफंक्शंस हो, चाहे फैटिग हो या बॉडी एक हो, या कंपल्सिव बिहेवियर डिसऑर्डर OCD की कंडीशंस हो, इसमें भी आपको प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके अलावा कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, यानी कंपल्सिव बिहेवियर भी कंडीशंस बनते हैं। इसके अलावा लॉस ऑफ एनर्जी होती है, यानी कि कंडीशंस याद करने की क्षमता कम होती लगती है। बहुत सारे लोग इसके कारण समझने के लिए मैसेज किए हैं जनरली कि पार्किंसंस होती क्यों। तो पहली बात यह है कि पार्किंसंस ज़्यादातर यंग में रेयर होता है और ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। पहला फैक्ट है जेनेटिक फैक्टर। अगर आपके खानदान में या बाप दादा परदादा ऐसे या नाना नानी में किसी को रहा है तो आप पार्किंसन डिजीज के लिए प्रॉन रह सकते हैं। जनरली पार्किंसंस डिजीज बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस में रहते हैं, जो स्ट्रेस के लाइफ का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, वो भी पार्किंसंस के लिए प्रॉन होते हैं। इसके अलावा कुछ हद तक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी काम करता है। जनरली सर में अगर चोट लग गया हो तो हेड ट्रॉमा, यानी सर में जो चोट लग जाता है। इसके अलावा लास्ट कंडीशंस होती है ड्रग इनहेबिटर्स के लिए, यानी कि जो लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग ड्रग्स को लेते हैं, वो पार्किंसंस से पीड़ित होने के चांसेस उनके बहुत ज़्यादा होते हैं। जनरली इसमें मेडिसिंस, खासकर होम्योपैथिक मेडिसिंस जो यूज़ की जाती है उसके सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिंस के साथ साथ आपको योगा करना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि आप अनुलोम विलोम, प्राणायाम, योगा ज़रूर करें। इसके अलावा कुछ मेडिसिंस आते हैं जिनका मैं सिम्टम्स वाइज बता दूं। जो फर्स्ट मेडिसिंस आती है पार्किंसन डिजीज में यूज करने के लिए वो है जेल्सीमियम। खास करके जेल्सीमियम फ्रेश रूट से तैयार की जाती है और इसके सबसे पर्टिकुलर सिम्टम्स ये होता है कि वीकनेस। जेल्सीमियम के पार्किंसंस के पेशेंट को वीकनेस बहुत ज़्यादा होता है, वो हमेशा ड्राउजीनेस यानी सोए सोए रहने की इच्छा करेगा, थोड़ा सा फीवर रहेगा, सर दर्द ज़्यादा हो सकता है, सर दर्द की शिकायत कर सकता है और हमेशा अकेले रहने के लिए कोशिश करता है। खास करके आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पसीना आने से जेल्सीमियम के जो सिम्टम्स हैं उसको आराम मिलता है, जब खुला में जाता है तो उसको तकलीफ बढ़ जाती है। जेल्सीमियम के जो पार्किंसन डिजीज के पेशेंट होते हैं जब वो वेदर खुले में जाएंगे तो उनको तकलीफ हो जाएगा, मेंटल एग्जर्शन होगा तो तकलीफ पड़ जाएगा, फिजिकल एग्जर्शन होगा तो तकलीफ बढ़ जाएगा, अगर कोई आघात लगता है बैड न्यूज का तो तकलीफ बढ़ जाएगा। ऐसे कई कंडीशंस होते हैं जिसमें आप जेल्सीमियम को यूज कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिंस आती है आपका कॉस्टिकम। खास करके कॉस्टिकम का यूज हम तब करते हैं जब रिजिडिटी, मैंने आपको बताया था कि इसके सिम्टम्स पार्किंसंस में रिजिडिटी होती है, कुछ अंग कड़ापन हो जाता है, तो जब पार्किंसन डिजीज में रिजिडिटी हो तो आप कॉस्टिकम को यूज करें। उसके साथ साथ जनरली जिस कॉस्टिकम के पार्किंसंस पेशेंट का जहाँ भी मसल्स कड़ा हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, खास करके आपको लोअर लिम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता हुआ दिखेगा,
और यही वजह है कि कॉस्टिकम के जो पार्किंसंस के पेशेंट होते हैं वो चलने में असमर्थ होते हैं, धीरे धीरे चलते हैं लेकिन जल्दी कवर नहीं कर पाते हैं। और इसके अलावा कॉस्टिकम का जो पेशेंट होता है उसको गर्म एप्लीकेशंस यानी गर्म माहौल में या जब उसको मालिश करते हैं या गर्म तेल लगाते हैं या गर्म भाप देते हैं तो उनको राहत मिलता है। ऐसे कंडीशंस में आप कॉस्टिकम्स को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक मेडिसिन आती है प्लम्बर मेटालिकम, बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है पार्किंसन डिजीज का। खास करके मैंने आपको बताया था कि ब्रैडिकनेसिया होती है यानी कि बहुत सारे मसल्स होते हैं जो स्लोली काम करते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं। ऐसे बॉडी मसल्स को गियर अप करने के लिए, स्टोन अप करने के लिए आप प्लम्बम मेट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि प्लम्बम मेट आप उन कंडीशंस में कर सकते हैं जब मसल्स का ग्रोथ रुकने लगता है और मसल्स कुछ कमज़ोर होने लगते हैं, ऐसे कंडीशंस में आप प्लम्बम मेट को ले सकते हैं। इसके अलावा एक मेडिसिन आती है एकोनाइट, खास करके एकोनाइट को आप तब लेंगे जब हार्ट में घबराहट हो, पल्पिटेशन हो, सडन पैनिक हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो, बहुत ज़्यादा कोई झटका या आघात लगता है और उसके बाद तुरंत ये प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कंडीशंस में आप एकोनाइट को ले सकते हैं। इसके अलावा एक मेडिसिन आती है आर्सेनिक एल्बम, क्रॉनिक एंजाइटी के कंडीशंस में जब ओसीडी धीरे धीरे डेवलप करने लगे, ऑब्सेसिव कंपल्सरी वाले कंडीशंस, तो आप इसको आर्सेनिक को ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो एक नॉर्मल जानकारी के लिए दी जा रही है, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।